वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर जरका से, तो डॉक्टर जरका ये बताएं कि आप अपने लिए टाइम तो कैसे निकालती हैं, शॉपिंग करनी है, बच्चों को टाइम देना है, तो इतनी टफ रूटीन, पॉलिटिक्स को भी देखना है, अपने क्लिनिक को भी देखना है, कैसे टाइम निकालती है बच्चों? तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर जब यू हैव टू डिसाइड कि दैट्स इट, क्योंकि फिर कुछ दिन आप ये सब कुछ करते हैं, उसके बाद बैटरी बिल्कुल Then you can't do anything. अच्छा सोशल सर्कल कैसा है, मतलब जाना फ्रेंड्स के साथ? का कोई टाइम कोई नहीं, जितने सारे टाइम हो गए कामों के अंदर कहां निकालता हूं कोई लंच डिनर फ्रेंड्स वगैरह। मुझे मैंने ये रियलाइज किया है कि फ्रेंडशिप जो होती है वो वन ऑन वन होती है, सोशल सर्कल में फ्रेंडशिप नहीं होती। हां बिल्कुल, दोस्ती अगर आपने दोस्ती करनी है वही होता है कि केड़ी जूती पाई है, केड़े कपड़े पाए ने, केड़ा बैग लेता है ना, वो तो कन्वर्सेशन मुझे आती नहीं है। मैं जब जाती हूं ऐसी जगह पे तो मैं उनको सलाम करती हूं, उनको प्यार करती हूं, उसके बाद मैं बैठ जाती हूं, मैं चुप करके बैठी रहती फिर जाते वक्त तो फिर से सलाम करके क्योंकि फिर ये बातें तो आई डोंट थिंक यू नो, इतना गरीब हमारा मुल्क है उसमें हम 50,000 का एक बटवा ले लें या 2 लाख का या 4 लाख का, तो सुन के ही रोंगटे खड़े। I don't think it's fair. नहीं, brand consciousness वैसे आजकल ज़्यादा हो गई है, वरना अमूमन हम पहले भी ख़वातीन को देखते थे, normal कपड़े होते थे, सब कुछ normal होता था। Whatever you can wear, whatever you can carry, it's good. It's about what's inside. मैं कहती हूँ आपकी शक्ल ठीक लग रही हो, आप खुद सही हो, आप बोरी भी पहन लेना, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और यही करते हैं? और आप इतने महंगे महंगे क्या करते हैं? खुद क्या करते हैं? बोरियां पहन आके तो कैटवॉक करा देते हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो स्टाइल होता है ना, स्टाइल स्टाइल करना। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मेरी स्किन पे ना अक्सर पिंपल निकलते रहते हैं, निशान दाने ये वो चीजें, मतलब ये खत्म नहीं होती है चीजें। अच्छा, आपने कुछ अप्लाई किया उसके ऊपर, कोई क्रीम वगैरह तो नहीं लगाई? हाँ जी, बहुत कुछ डॉक्टर वगैरह से ट्रीटमेंट भी करवाया है, लोशन अपना ही कोई देते थे, बस फर्क नहीं पड़ा। सन ब्लॉक वगैरह ये भी हर चीज करती है, यूज करते रहो तो ठीक है, छोड़ दे तो फिर वो वैसे स्किन बहुत बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, पी पस वगैरह। ये दवाई कोई दी खाने को, वो खाई आपने गोली? हाँ जी, एलर्जी की टेबलेट भी दी, वो भी यूज की है। ठीक है, थैंक यू। अभी आपको जवाब देते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बात ये होती है कि एक्ने जो होती है वो आपको 13 साल की उम्र से 30-35 साल की उम्र तक चलती है, थोड़ी ज़्यादा ऊपर जिन लोगों को होती है, तो उसका इलाज आपको हर बार करना पड़ता है। थोड़ी सी इनकी हैबिट्स पे चेक कर लेंगे। क्रीमें जो हैं आजकल, जितनी भी क्रीमें अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर भी लिखते हैं, डॉक्टरों को नहीं पता होता उसके ऊपर, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा होता लेकिन अंदर उसके जो मवाद होता है वो वही होता है जो 10 दिन में बेहतर करता है और फिर उसके बाद उसके मसाइल। वही वो कह रही है कि जब मैं छोड़ती हूँ दोबारा से वापस आ जाते हैं, तो वो देयर आर इश्यूज विद दैट। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कह सकती हूँ कि जितने लोग आज का आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और वो इस प्रोग्राम का रेफरेंस दे के अगर क्लिनिक आते हैं, तो मैं उनको एक जनाब। और आपको पता है कि इनका जो डॉक्टर जरका लेजर स्किन एंड वेलनेस क्लिनिक है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, और हमारे शो का अगर आप नाम लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा। चलिए जी, आज का हम टैलेंट इन कर लें। बिल्कुल ऐसे ही, और जागो लाहौर में सिंगर ना ऐसे कैसे पॉसिबल है। टैलेंट हमारे पास आए रोज आते रहते हैं जागो लाहौर में, जिनको हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं अपने तौर पर। आप लोग को भी लगता है तो आप लोग भी हमें रब्ता करके हमें आपको प्लेटफॉर्म बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। जागो लाहौर हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर आप सिंगर्स या कोई भी ऐसा टैलेंट है जो आप चाहते हैं कि दुनिया देखे, तो हम आपको बुलाएंगे। लेकिन आज का जो हमारे साथ टैलेंट है वो है सिंगर, तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज, उनको वेलकम करते हैं, उनसे गाने भी सुनेंगे और उनसे बात भी करेंगे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैरियर सेंटर का अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? प्लीज हैव अ सीट। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात जो है ना अहमद नवाज की, वो ये है कि ये नवाज अंजुम के बेटे हैं। ठीक है जी, और जो कि पाकिस्तान का फखर है, आपको पता है बहुत ही जबरदस्त किस्म के कॉमेडियन है वो, और वो एक जरा सी कोई हल्की सी बात कर देना तो खिलखिला उठते हैं सब लोग। तो ये वालिद साहब का कोई असर है आपके अंदर ऐसे सेंस उसके हवाले से, मतलब उनको देख देख के आपके अंदर भी आई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब से स्टार्ट किया था वालिद साहब ने अपना काम पाकिस्तान में, और थ्रू आउट मुल्तान से हम लोग बिलोंग करते हैं, और जब लाहौर आए तो यहाँ पे सुहेल अहमद साहब के साथ उन्हें अपना वक्त गुजारा, और आज आपके सामने है। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की, बेसिकली वो जो काम है वो बहुत मुश्किल काम है, उसमें आपको इतनी जल्दी पिकअप करना बहुत मुश्किल है, विटी होना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बेसिकली मेरे वालिद साहब की आवाज़ बहुत अच्छी थी शुरू से, तो पिक करते करते तो फिर मैं भी सोचा कि सबसे पहले जनाब मैं आपको एक धमाल सुना रहा हूँ। ठीक है, तो लाल मेरी पत रखी उबला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवड़ी दा
سخی شہباز کلندر دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر ہو لال میری ہو لال میری ہو لال میری پت رکھیوں بلا جھولے لالن سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دما دم علی دم علی دا ہو لال میری ہو لال میری کیا بات ہے زبردست تو ڈاکٹر زکا آپ بتائیں آپ کو میوزک کتنا پسند ہے کس ٹائپ کا میوزک سنتی ہیں آپ مجھے تو قوالی دھمال اس طرح کی چیزیں اچھا گانے گانے کا شوق تھا آپ کو تھا بھی نہیں مطلب مجھے نہیں گانا آتا نہیں استاد فتح علی خان کو تو سنا ہوگا بہت زیادہ اور عبدہ پروین جی کو بالکل بالکل اچھا کوکنگ میں کتنا انٹرسٹ ہے کیونکہ لاہوری ہیں کھانے پینے کا شوق ہے تو خود بناتی کیا کیا اچھا یہ بتائیں جو بچے کہتے ہیں بچوں کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے روزانہ تو نہیں مگر جب زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اماں بالکل ایسے اور ہیں بھی ان کے بیٹے ماشاء اللہ تو لیکن میرے بیٹے خود بھی بناتے ہیں سو ابھی کل پچھلے لاسٹ دو دنوں میں ہم نے تھائے ایک دن تھائے گرین سوپ بنایا اور ایک دن تھائے ریڈ سوپ بنایا ان کامن لینگویج ٹام یم سوپ جو ہوتا ہے اس کی ویریشنز ہم نے ریڈ اور گرین میں کی تو وہ بیکاز بیٹے نے بنایا ہم دونوں نے مل کے بنایا اچھا جی ایک چھوٹی سی گیم ہے آپ کے ساتھ ہم کھیلیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی آپ شخصیت ہوتی تو آپ کو اپنی کس بات پہ فخر ہوتا نمبر ون شیخ رشید صاحب شیخ رشید عوام میں پاپولر ہونے پہ بہت مجھے فخر ہوتا ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نام بدلنے پہ اچھا چھ مہینے بعد نام بدلنے پہ اچھا مریم نواز اگر آپ ہوتی تو مریم نواز اگر میں ہوتی تو مجھے اپنی ٹویٹس پہ بہت فخر ہوتا کہ حکومت کو ہر بار نیچے لانے میں تیار ہوں میں کبھی ڈان لیگ تو کبھی طاہر القادری صاحب طاہر القادری ہوتی تو پھر میں آپ سے آنکھیں ہی نہ ملاتی بھائی ان کا اتنا اثر ہے پوری دنیا میں انہوں نے اپنے پاکستان سے باہر انہوں نے اتنی زبردست اپنی بیس بنائی ہوئی ہے اینڈ ہی سچ اے ماڈریٹ مطلب ریلیجیس اسکالر کہ وہ انہوں نے باقی ان سے نظر نہ ملاتے اور بھی ہم اس سیگمنٹ میں اور بھی ہمارے پاس نام ہے جو ہم ڈاکٹر زرکا سے پوچھنے والے ہیں لیکن وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور